सावित्री चौधरी एक कहानी पढ़ रही हूं जिसका शीर्षक है लाखों में एक। माँ जी कॉलेज जा रही हूं मैं। आप दोनों का नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया है। एक थर्मस में चाय है और दूसरे में दूध। पास ही पानी की बोतल रखी है। नाश्ता करके दवा लेनी है, याद रखिए। मैं आज पानी बिजली का बिल जमा कराकर 2 बजे तक जरूर आ जाऊंगी। थोड़ी देर हो जाए तो चिंता न करें, बैंक में भी जाना है, कीर्ति ने कहा। और सास ससुर दोनों के आदर भाव से पांव छूकर चल दी। दोनों बुजुर्ग आपस में बतियाने लगे, हम तो भाग्यशाली हैं, तभी तो हमें लाखों में एक बहू मिल गई। सुबह 4 बजे उठकर जल्दी जल्दी घर के सभी काम निपटा देती है चतुराई से। हमें तो कभी शिकायत करने का मौका नहीं देती। घर को भी कितना साफ, कितना सजा संवार कर रखती है। मेज पर रखे फूलों और अगरबत्ती की सुगंध से घर महकता रहता है। खूब पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर, मेहनती और कमाऊ है बहू, पर अहंकार नहीं है तनिक भी। कीर्ति पढ़ने में तेज थी, 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली और जिस कॉलेज में पढ़ी थी अब उसी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वहाँ अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे प्रकाश जी। कीर्ति और प्रकाश जी जब तब हिंदी और अंग्रेजी की महत्ता पर चर्चा करते रहते थे। दोनों ही कुप्रथाओं, जात पात, छुआछूत, दिखावे, बाल विवाह और फिजूल खर्चे के घोर विरोधी थे। दोनों के समान समान विचार होने के कारण वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। यह निकटता धीरे धीरे प्रेम प्रीत का रूप लेने लगी थी। हृदय में फूल खिलने लगे थे प्यार के। एक दिन कीर्ति ने पहली बार प्रकाश जी को अपनी माँ उषा से मिलवाया और शर्माते हुए बताया था, माँ गैर जाती है प्रकाश जी, फिर भी इनसे विवाह करना चाहती हूँ मैं। तो माँ ने तुरंत हाँ कर दी थी। उच्च शिक्षा प्राप्त, सुंदर, स्मार्ट, खाता पीता, घर परिवार और एक ही कॉलेज में दोनों ही पढ़ा भी रहे हैं, एक दूसरे को चाहते भी हैं। वह क्यों और कैसे मना करती लाडली समझदार बेटी को? जात पात की बात करना तो इस नए जमाने में महामूर्खता है। माँ उषा को अपनी हर तरह से योग्य इकलौती बेटी पर बहुत गर्व है। वह मन में कहती, मुझे एक बेटी की इतनी चाहत थी जितने की दूसरे लोगों को बेटे की होती है। यदि विधाता मुझे बेटी नहीं देता तो मुझे उन लोगों से ज्यादा दुख होता जिनके बेटा नहीं होने से होता है। वह बेटे के भूखों को बेटे की माँ बनकर दिखाना चाहती थी कि यदि बेटे की तरह ही बेटी की परवरिश की जाए, खूब पढ़ाया जाए, तो वह अकेली ही कई बेटों से भी ज्यादा कमाल करके दिखा सकती है। कीर्ति का जन्म हुआ तब उसके पापा को सीमा के मोर्चे पर शहीद हुए 6 महीने हो गए थे। ससुराल वाले तो हर समय ईश्वर से एक ही विनती किया करते कि पोता ही होना चाहिए, पर ईश्वर ने तो उषा के मन की मुराद पूरी कर दी थी। बेटी की परवरिश में उसने कोई कमी नहीं रखी थी। एक सबला और आत्मनिर्भर नारी बनाने के लिए उसने बेटी का हौसला बढ़ाया था और खूब पढ़ाई थी। सादा जीवन, उच्च विचार, ये हैं जीवन के आधार, ऐसी शिक्षा दिया करती थी वह बेटी को। कीर्ति अपने मन की सुनती थी, मन का ही कहना मानती थी। कोई क्या कहेगा इस बात की परवाह नहीं करती थी तनिक भी। वह बहुत भी नम्रता से गलत बातों का विरोध करती, आत्मीयता से समझाया करती थी। एक दिन वह कॉलेज से अपने घर पहुंची तो उस दिन ऐसा भूचाल आया था कि उसकी हंसी और सुख शांति उड़ गई थी कपूर की तरह। घर पहुंचते ही पता चला कि उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी, तब एक कार टक्कर मारकर चली गई। यह दुखद समाचार सुनते ही उसके तो होश उड़ गए थे। पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गई थी। प्रकाश जी को जब इस घटना का पता लगा तो वे कार से उड़ते हुए आ पहुंचे थे।
फिर उन दोनों ने एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर पूछताछ करी तो पता चला कि कार की टक्कर लगी। वह महिला तो बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। माँ को कोमा में पड़ी देखकर भी वह रोई कूकी नहीं, बल्कि उसके मन में दृढ़ विश्वास जागा था कि एक न एक दिन मेरी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। फिर तो उसने मन मजबूत कर लिया और कॉलेज से छुट्टी लेकर जी जान से माँ की सेवा करने लगी। दूर पास के रिश्तेदार और परिचित ऊपरी मन से उसकी माँ का हाल चाल पूछने आते तो उनकी बनावटी बातें सुनकर उसने कभी भी आंसू नहीं ढलकाए थे। मन की व्यथा, दुख और चिंता को मन में ही दबा कर रखा था। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी सेवा, सार संभाल और सेवा से दिन रात माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थना का फल मिल गया और उसकी माँ ठीक होने लगी थी। जब माँ पूरी तरह से होश में आ गई थी तो कीर्ति और प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कीर्ति की सेवा और सार संभाल की धैर्य की बहुत तारीफ की थी। एक दिन उसकी माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह माँ को घर लेकर आ गई थी। पर अब वह पहले जैसी हंसमुख, मस्त मगन रहने वाली कीर्ति नहीं थी। अब तो वह बहुत धीर गंभीर हो गई थी। उषा बेटी का विवाह कर निश्चिंत होना चाहती थी। एक दिन प्रकाश जी अपनी माँ विभा को कीर्ति की माँ से मिलाने के लिए लाए थे। वे दोनों बड़े अपन तब से और प्रेम भाव से मिली थी। कुछ देर तो वे दोनों दुनियादारी, दुख सुख और महंगाई आदि की बातें करती रही थी। फिर कीर्ति की माँ पूछे बिना न रह सकी थी। विभा जी, बेटे का विवाह कब तक करने का विचार है? प्रकाश जी की माँ हंसते हुए कहने लगी, मैं आने लगी तब उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि प्रकाश और कीर्ति एक दूसरे को चाहते हैं, सो अब इनका विवाह कब करने का विचार है पूछ कर आना। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों ने एकमत होकर कीर्ति और प्रकाश जी का विवाह आर्य समाज में विधि विधान से संपन्न करवा दिया, बिना गाजे बाजे, बिना नाच गाने और बिना बारात के, एकदम सादगी से। जबकि वे दोनों परिवार वाले चाहते तो लाखों रुपए खर्च कर सकते थे विवाह धूमधाम ठाट बाट से करके, पर वे तो दिखावे और फिजूल खर्ची के घोर विरोधी थे। तभी तो कोई क्या कहेगा कि उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, सोचा कुछ दिन गाल बजा कर लोग चुप कर जाएंगे। उन दोनों परिवार वालों की सोच थी कि हम तो कीर्ति और प्रकाश का विवाह सादगी से करके विवाह पर खर्च होने वाले लाखों रुपए दान पुण्य में लगा देंगे तो लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही लाखों रुपयों से जरूरतमंदों की सहायता कर दी और दान पुण्य में लगा दिए। ऐसे दुखी लोगों की मदद की जिनके खाने के लाले पड़ रहे थे, जो पैसे पैसे के मोहताज हो रहे थे। कोढ़ियों को भी उनकी जरूरत का हजारों रुपयों का सामान लाकर दिया था। पत्रकारों को उन दोनों परिवारों की दया भाव से लाखों रुपए दान पुण्य में लगाने का पता लगा था। वो तो प्रकाश जी के घर आकर सभी की फोटो खींच कर ले गए थे। दूसरे दिन अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर उनकी छपी फोटो और लाखों रुपए से दीन दुखियों की मदद करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से प्रशंसा भी प्रकाशित की थी। उनकी अखबार में छपी फोटो और लाखों रुपए दान पुण्य में लगाने के समाचार सराहना पढ़कर तो दूर पास के लोग हक्के बक्के रह गए थे। उनसे मिलने वालों का तो घर में जमघट ही लग गया था। कुछ दिनों में कीर्ति ससुराल में मेहंदी की तरह रच बस गई थी। उसकी सास ने समधन को बड़ी कोठी में अकेली नहीं रहने दिया। बहुत मान सम्मान से अनुरोध कर अपने घर पर रहने के लिए मना लिया था। फिर कीर्ति की सलाह से उसकी माँ ने किराएदारों से कोठी खाली करवा कर सरकार को दान में दे दी थी अस्पताल चलाने के लिए। जब कीर्ति विवाह करके आई है, पड़ोसियों के तो जैसे प्रसन्नता से घुंघरू बंध गए। उच्च शिक्षा प्राप्त, खूबसूरत, हंसमुख, मेहनती और कमाऊ बहू,
पड़ोस ने तो उस पर लट्टू हुई रहती है। जब भी पास पड़ोस की महिलाएं बतियाने बैठती तो उसके गुणों की, उसकी लायकी की तारीफ करती नहीं थकती। वे कहती हैं कि वे खुद भी अपनी बेटियों को खूब पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाकर ही विवाह करेगी उनका। फिर शादी भी एकदम सादगी से करके, बचाए रुपयों से तंग हाल लोगों की मदद कर। पड़ोस ने अपना भी नाम दूर दूर तक रोशन करना चाहती थी। कॉलोनी के सभी लोग कहते ही रहते थे कि बहू तो घर घर में है, पर प्रकाश जी की पत्नी तो है नई नवेली नार, लाखों में एक। वे सब लोग अपनी बहू बेटियों को भी कीर्ति की तरह सुयोग, सुलक्षणा, मेहनती, कमाऊ और लाखों में एक होने की प्रेरणा देते। पड़ोस ने कीर्ति पर जी जान से फिदा है, क्योंकि कीर्ति बोलती है तो जैसे फूल झड़ते हैं, हंसती है तो मानो घुंघरू बज रहे हो। वे किसी न किसी बहाने से जब तब कीर्ति से मिलने चली जाती हैं छुट्टी वाले दिन, और उसकी सास के आगे बहू की योग्यता की बड़ाई करती है, उन्हें सौभाग्यशाली बताती है, तो कीर्ति के सास ससुर का मन बाग बाग हो जाता है, मन में फूले नहीं समाते वे।